तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा है लिजर्ड्स, हैं हिंदी में बोलेंगे तो छिपकली। छिपकली हम बोलेंगे तो हमारे दिमाग में सिर्फ आता है जो हमारे घर के अंदर जो छिपकलियां आती हैं, जिसको हम कीड़े खाते हुए देखते हैं, उसको हम छिपकली मान लेते हैं। तो छिपकली एक बहुत बड़ा स्केल की बात है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे तो मेरी उम्मीद है कि आपको जरूर इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आपकी बहुत सारी धारणाएं दूर हो जाएंगी और बहुत सारी चीजें जो आपको इसको आप इसको बड़ा अजीब सा प्राणी सोचते होंगे वो भी दूर हो जाएंगी और आपको इस समझ में आएगा कि ये कितनी खूबसूरत चीज कुदरत ने बनाई है। तो सबसे पहली बात आती है कि हम इसके ऊपर पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसके बारे में जानना क्यों चाह रहे हैं, ये छिपकली हमारे लिए किस लिए जरूरी है। संसार में बहुत सारे आजकल आप देखते हैं पेस्ट कंट्रोल वाले, तो वो भी छिपकली घर में से भगाने का इंतजाम करते हैं। अगर सबके घरों से छिपकली भगा दें और दुनिया की छिपकलियों को मार दें तो क्या होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंस है इस जानवर का जो कि हम छिपकली के बारे में आज देखेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि ये इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है ना। आपने सुना होगा कि भैया वो छिपकली गिर गई खाने में, सब लोग मर गए, ये हो गया वो गया। वो सही है, छिपकली के काटने से ये छिपकली के अपने अंदर उसके अंदर कोई जहर नहीं है। इस छिपकली में जो हमारे घरों में होती है इसके अंदर अपना कोई जहर नहीं होता। इसके ऊपर कुछ ऐसे परजीवी होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे खाने में जब चली जाती है तो हमारे को फूड पॉइजनिंग हो जाता है। वैसे देखो तो छिपकली अगर हमें काट भी ले, कुछ कर दे, तो हमारे को कुछ भी नहीं होगा उससे। सिर्फ अगर वो हम उसको खा लेते हैं तो हमारे को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, इसके अंदर एक ऐसा प्रोटीन दिया है कुदरत ने जो कि अगर कोई कीटाणु इसको काट ले, मान लीजिए मलेरिया का मच्छर गया और उसने छिपकली को काट लिया, तो उस छिपकली के काटने से उसके अंदर जो कीटाणु थे, मलेरिया के पैरासाइट्स थे, वो खत्म हो जाएंगे। देखिए कितने गजब की बात है कि छिपकली के ब्लड में ऐसा प्रोटीन है जो इस तरह के जो प्राणी जो हमें नुकसान करने वाली जो चीजें हैं, अगर वो कीड़ा उसको काट लेता है पहले तो उसके अंदर से वो सब खत्म हो जाएंगी। तो हमारे को बड़ा उस बीमारी से बचने का साधन है। दूसरा, हमारे घर में जो बड़े कीड़े मकोड़े जो हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं या वो करते हैं, उनको खाने के लिए भी बड़ी फायदेमंद चीज है। ना केवल घरों में बल्कि खेतों में जो हमारे फसलों को नुकसान करने वाली चीजें होती हैं उनको भी ये काफी हद तक बहुत कंट्रोल करती हैं। और ये फूड चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फूड चेन मतलब कि छोटी चीज बड़ी चीज को, बड़ी चीज बड़ी चीज को, अगर बीच में से एक भी चेन में से हम एक भी चीज को हटा देंगे तो पूरी चीज जो है वो तहस नहस हो जाएगी, है ना। हम आजकल आपने बड़ा सुना होगा कि भैया टाइगर खत्म हो गए तो जंगल खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्योंकि वो फूड चेन का एक हिस्सा है। अगर आपने उस चेन को तोड़ दिया कहीं पे भी, अब वो तो टाइगर है भाई, बड़ी बड़ी चीज है, ये छोटी सी छिपकली जो है ये भी फूड चेन का एक हिस्सा है, इसको भी अगर आप हटा देंगे तो पूरी फूड चेन क्रैश हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो लिजर्ड्स हैं आज से नहीं है, 200 मिलियन साल से लिजर्ड्स दुनिया में है, है ना। हमारे बीच में ना एक बच्चा है, एक लड़का है, उसको बड़ा शौक था, मुझे पता चला भाई उसको डायनासोर्स के ऊपर बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैंने उसको बोला बेटा तू ऐसा करना, अगली बार जब मैं लिजर्ड का सेशन लूंगा तो तू अपनी जानकारी जो तेरे पास है ना डायनासोर्स के बारे में, जो तूने अब तक इकट्ठी करी हुई है, जो अपना बताना चाहते, मैं तेरे को उसको 10-15 मिनट दूंगा तो उसको बताना। तो वो आज तैयार है हमारे बीच में, आकाशदीप नाम का एक लड़का है। अभी मैं उसको अपना स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और बल्कि वो अपना करेगा आकाशदीप, तो वो आपको डायनासोर्स के ऊपर कुछ बताएगा। आकाशदीप आप अपना शेयर कर लीजिए बेटा। यस सर, जो डायनासोर वर्ड है ये सर रिचर्ड ओवन द्वारा कॉइन किया गया है। जो रिचर्ड ओवन है वो एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट और एक पेलियंटोलॉजिस्ट थे, और जो डायनासोर वर्ड वो ग्रीक वर्ड से आता है जिसमें डिनोस मतलब फियरफुली ग्रेट यानी खूंखार और बहुत बड़े होते थे, और सोरस मीन्स लिजार्ड। और ये जो डायनासोर्स थे ये 6.5 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, और जितने भी साइंटिस्ट ने इनकी स्पीशीज के बारे में जाना है, जितनी भी खोजी है अब तक हमें बस उनकी 700 स्पीशीज के बारे में पता चला है। और ये रेप्टाइल्स के एंसेस्टर्स हैं जिन्हें आर्कोसोरस कहते हैं, मीन्स रूलिंग रेप्टाइल्स। इनके अंदर सांप, मगरमच्छ, लिजार्ड और बाकी सब आ जाते हैं। अब जो डायनासोर्स थे वो एक एरा में रहते थे, मेसोजोइक एरा। ये तीन टाइप के एरा हैं, पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक। पेलियोजोइक में हमारे पहले रेप्टाइल्स थे जो कि बहुत छोटे छोटे थे, 300 मिलियन साल पहले,
और मेसोजोइक एरा में हमारे तीन पीरियड थे, ट्राइसिक पीरियड, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। डायनासोर्स आए थे जो कि छोटे थे, जैसे कि इगुआनोडॉन और वेलोसिराप्टर ये सब। एंड जुरासिक पीरियड में हमारे जायंट डायनासोर्स आए थे जो कि बहुत लंबे लंबे होते थे और टॉलेस्ट डायनासोर्स में काउंट किए जाते थे, जैसे कि डिप्लोडोकस एंड एपाटोसोरस। और क्रिटेशियस में ये इसमें हमारे कार्निवोरस डायनासोर्स आए थे जो कि बहुत खूंखार थे, उनके बहुत नुकीलदार दांत होते थे। एंड सीनोजोइक एरा में हमारा ओरिजिन है इंसानों का, इसमें हम रहते हैं। फिर बाद में उनके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए तो बिल्डिंग जितने लंबे होते थे, घोड़ों से तेज दौड़ते थे और इनके जो दांत थे बहुत शार्प होते थे। अनलाइक हर्बीवोर, हर्बीवोर्स के जो दांत होते थे वो बहुत नुकीले नहीं होते थे, वो फ्लैट होते थे और वो सिर्फ जो मतलब जो पत्ती वत्ती खाते थे जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन होती थी। इनके जो लेग्स थे वो परपेंडिकुलर होते थे उनके बॉडी के, हमारी तरह नहीं कि हम सीधे खड़े हैं तो वो भी सीधे, नहीं ऐसा नहीं था, वो बस ऐसे ही रहते थे। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पेड़ धरती पे, उसे उल्टा कर लीजिए आप समझ जाओगे। और दूसरे रेप्टाइल्स की तरह ही वो भी अंडे देते थे, उनका वजन बहुत भारी होता था। और जो डायनासोर थे वो कॉमनली 300 साल तक जीते थे, पर जो कुछ डायनासोर जैसे कि एपाटोसोरस और डिप्लोडोकस हो गए वो सिर्फ 70 से 80 साल तक जीते थे। और उनके जो स्कल में जो होल, जो मतलब नोस्ट्रिल्स होते थे, नाक और आई सॉकेट के बीच में होल होता था, और वहीं आई सॉकेट के पीछे भी दो होल होते थे उनके। हमारी तरह नहीं होता था कि हम खाली बैठे बैठे ऐसे हिला लेते हैं, गोल गोल घुमा लेते हैं, ऐसा नहीं था। उनके बस ऊपर नीचे होते थे उनके एंकल्स, और इनके जो आर्म्स थे वो डायरेक्टली इनकी बॉडी के नीचे थे। और डायनासोर में क्लासिफिकेशन की जाती है, जैसे कि डायनासोर दो में डिवाइडेड हैं, ऑरिनथीसिया एंड सोरेसीचिया। ऑरिनथीसिया अपने हर्बीवोर डायनासोर आ जाते हैं, इसमें दो टाइप के आते हैं, थायरापोरा एंड सेरापोरा। थायरापोरा मीन्स आर्म डायनासोर्स, जिनके बॉडी पे आर्म्ड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेगोसोरस और एंकाइलोसोरस। स्टेगोसोरस के ऊपर बोनी प्लेट्स हैं और उसके टेल तक जाती थी उनकी नेक से शुरू होकर, और एंकाइलोसोरस से भी ऐसे ही था, जो कि इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे उनके नेचुरल एनिमीज से। और दूसरा था सेरापोडा, वो भी हर्बीवोर एनिमल्स हैं, ये फोर लेग्ड होते थे, कुछ कुछ अपने दो लेग आगे के उठा लेते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं हेटरोडोंटा एंड ऑरिनोथोपोडा ये सब। फिर अपने दूसरे टाइप में आते हैं सोरेसीचिया, ये अपने कार्निवोर डायनासोर्स में, इसमें अपने दो आते हैं, सोरोपोडोमोर्फा एंड थेरापोडा। सोरोपोडोमोर्फा अपने लॉन्ग नेक डायनासोर्स होते थे, जैसे कि डिप्लोडोसीडिया, टाइटेनोसोरिया और ये सब। और थेरापोडा, उसमें हमारे कार्निवोर डायनासोर आते थे जो कि बहुत बड़े बड़े होते थे, और ये इनके दांत बहुत पहने होते थे, जैसे कि सेरेटोसोरिया एंड हेरोसोरिया, टीरेक्स हो गए और जायजेंटोसोरस हो गए। और इनमें अपने एवियन डायनासोर्स भी आते हैं, एवियन डायनासोर्स वो जो कि उड़ते थे, जैसे कि टेरनडोन और माइक्रोरैप्टर ये सब। फिर इनके अगर हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो हमें इनके बारे में पता चला था इनके फॉसिल्स की मदद से। जो पेलेंटोलॉजिस्ट हैं, पेलेंटोलॉजिस्ट मतलब वो साइंटिस्ट जो कि फॉसिल्स के बारे में एग्जामिन करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, ये डिटेक्टिव की तरह होते हैं कि जो भी जानवर पीछे मरने के बाद जब छूट जाता है, उनका सॉइल में जमा हो जाता है, उसे फॉसिल्स कहते हैं, और ये इन्हें एग्जामिन करते हैं, और वो तब तक नहीं रुकते जब तक उनकी जड़ तक नहीं पहुंच जाते। इन्होंने जाना था नॉन एवियन डायनासोर्स के बारे में, वो सब उनके फॉसिल्स पे बेस्ड था, जैसे कि उनकी हड्डियाँ, उनके दांत, उनके अंडे, उनके फुटप्रिंट्स और ये सब। बहुत सालों तक, सेंचुरीज तक लोगों को इन पर मजा लगा कि इन्हें अच्छा लगता था इनके बारे में जाना कि बहुत अजीब सी चीज़ और बहुत मतलब इंस्पायर करने वाली चीज़ है कि और भी चीज़ें होंगी, इन्हें ढूंढते, इन्हें पता लगाते हैं, तो लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ती गई इस चीज़ों की। और जो पहले के लोग थे वो बोलते थे कि ये जो फॉसिल हैं ये बहुत ही बड़े बड़े दानवों से बिलोंग करते हैं, ये बहुत अलग है ये। अब उन्हीं में अपने वो थे साइंटिस्ट बार्नम ब्राउन, जिन्होंने अपना करियर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री से शुरू किया था 1897 में। ये अपने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनासोर हंटर हैं लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज के। यहाँ पर ग्रेटेस्ट डायनासोर हंटर का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत सारे फॉसिल्स पाए थे, बहुत सारे स्पेसिमेन डिस्कवर किए थे,
उनका सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरी में पहला स्पेसिमन था टेरानोसोरस रेक्स, जिसे हम टी रेक्स भी कहते हैं। अब देख सकते हैं जैसे कि ये GIF होलोग्राम दिखा रखा है, वो अपने म्यूजियम में ऐसे डिस्प्ले करके रखते हैं, और जो ब्लू ब्लू पोर्शन है वो उनका ब्रेन है। आज के टाइम पे बहुत ही पेशेंस और शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल्स चाहिए इन फॉसिल्स को पढ़ने के लिए। उस टाइम पे इसी जिज्ञासा ने हमारे जो टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें बहुत एडवांस कर दिया, जैसे कि सिटी स्कैंस आ गए, जिनसे इन्होंने जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने पता लगाया कि इनके अंदर कौन कौन से वो केमिकल्स होते थे, कौन कौन से माइक्रोब्स होते थे ये सब। और इसी चीज़ ने उनके बायोलॉजिकल रिलेशनशिप के बारे में पता लगाया कि कैसे चलते थे, किस टाइप के थे, ये हर्बीवोर थे, कार्निवोर थे, और ये किस एरिया में रहते थे, कैसे पीरियड में रहते थे, ये इनके बारे में पता चला था हमें। एंड फिर द एज ऑफ डायनासोर्स, जो पहले के जो डायनासोर्स थे वो आए थे ट्राइसिक पीरियड में, अप्रोक्सीमेटली 250 to 200 million years अगो। अब जो डायनासोर्स थे वो बहुत ही डाइवर्स ग्रुप में बढ़ते थे, कोई बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिजिकल फीचर्स होते थे सभी के, जैसे कोई बड़ा होता था, कोई छोटा, कोई बहुत ही लंबा जाता था, कुछ छोटे लंबे होते थे ऐसे। एंड इन कॉन्ट्रेरी टू वॉट मैनी पीपल थिंक कि बहुत सारे जो सारे डायनासोर्स थे वो एक ही टाइम पे रहते थे, ऐसा नहीं है। कि जैसे कि स्टेगोसोरस अपना डायनासोर है, वो लेट जुरासिक पीरियड में रहता था, यानी 150 मिलियन ईयर्स अगो। और जो टीरेक्स था वो अपना लेट क्रिटेशियस पीरियड में आया था, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था मेसोलिथिक एरा में 3 पीरियड थे, ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। और जो स्टेगोसोरस थे, अब जब तक टीरेक्स आए वो 66 मिलियन ईयर्स को पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे, यानी उसकी पूरी स्पीशीज। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे डायनासोर्स एक ही टाइम पे रहते थे। और इसी में ही उसी दौरान जब टीरेक्स आए थे, उसी में जो कुछ नॉन एवियन डायनासोर्स एवियन डायनासोर्स में इवॉल्व हो गए थे, उनके बारे में पता चला बाद में। फिर उनके दांत, फुटप्रिंट्स और फेदर्स के बारे में पता लगाया जाए तो बहुत से थेरापोड डायनासोर्स जैसे कि टीरेक्स हो गए, उनके बहुत ही नुकीले दांत होते थे, थोड़े पीछे की तरफ होते थे, यानी जब भी उनको जो शिकार होता था उन्हें एकदम फाड़ देते थे, उनका जो उनको खाते थे वो अपने अंदर ले जाते थे, सोलो कर लेते थे सीधा। तो जैसे कि आप में से बहुत, हमारे भी ऐसे दांत हैं, जैसे कि आप बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस होंगे उनमें आपको पता है कि कैनाइन दांत कितने नुकीले होते हैं, अनलाइक मी एंड मैनी वेजिटेरियंस कि हमारे इतने नहीं होते कैनाइन दांत। जो प्लांट ईटिंग डायनासोर्स है जैसे कि ट्राइसराटॉप्स, उनके अलग दांत होते थे, उनके बहुत सारे दांत होते थे लेकिन थोड़े अलग, उनके फ्लैट टाइप होते थे दांत, जो कि बस उन्हें बस पत्ते तोड़ते थे और खाते थे आराम से। और उसमें भी अलग टाइप के होते थे, जैसे कि एनाटोटियन, जैसे आप नीचे देख सकते हैं उनके जो दांत थे वो ग्राइंड करते थे पत्तों को, उन्हें जो जहाँ पे टफ वेजिटेशन होती थी वहां पे। कुछ होते थे बहुत लंबे भी नहीं, जैसे कि ये ब्रैचियोसॉरस आप देख सकते हैं नीचे, ये बहुत लंबे डायनासोर्स होते थे और इनके जो दांत थे वो पेंसिल लाइक थे, जो कि टहनियों पे जो लीव्स थी, जो पत्तियां थी, उन्हें खाने में मदद करती थी। और कभी कभी वो थोड़े छोटे छोटे पत्थर भी खाते थे, जिन्हें हम गैस्ट्रोलेथ कहते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे जो बर्ड्स करती, जैसे कि पैराकिट्स हो गई और चिकन्स हो गई ऐसे। और उसी से अब जो फुटप्रिंट के बारे में बात की जाए तो फुटप्रिंट ने हमें बहुत मदद करी है डायनासोर्स के बारे में जानने के लिए। जैसे कि अगर कोई डायनासोर 3 toed है और उसके बहुत शार्प क्लोड है, तो उसका मतलब ये था कि वो एक कार्निवोर डायनासोर्स है। और वहीं पे अगर 3 toed है यानी 3 फिंगर वाला, उसके अगर राउंड टोज है तो उसका मतलब था वो ऑर्निथोपोड में बिलोंग करता है, यानी एक हर्बीवोर डायनासोर। और उसी के अंदर अगर पेयर ऑफ अनइक्वल साइज प्रिंट्स हैं, यानी अलग अलग टाइप के प्रिंट्स हैं, 4 leg थे, लॉन्ग नेक थे और लॉन्ग टेल डायनासोर्स थे, जिन्हें हम सोरापोड्स कहते हैं। इसी में हमें मॉडर्न बर्ड्स या फिर एवियन डायनासोर्स के बारे में पता चला, जिनके उनके स्केलेटल स्ट्रक्चर्स के बारे में, और उसी से हमें उनके बायोलॉजिकल रिलेशनशिप के बारे में पता चला। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे एक टेरानोटॉन डायनासोर है, जो कि एक एवियन डायनासोर था। अब कुछ डायनासोर्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आता है टीरेक्स। टीरेक्स जो थे अपने 12 मीटर लेंथ में बड़े थे, यानी 40 फीट, और 6 मीटर टॉल थे। इनका वजन 5 टन तक होता था और इनका जो हेड था सर वो 4 फीट लंबा था, यानी 1.25 मीटर। और इनके बहुत ही शार्प टीथ थे विद पावरफुल जॉब्स, और इनके जो दांत थे वो 50 से लेकर 60 बनाना साइज टीथ होते थे। और अब तक का जो सबसे बड़ा दांत पाया है इनका वो है 12 इंच का, यानी अपना पूरा एक स्केल जितना।
और इनकी बहुत फ्लेक्सिबल नेक होती थी जो कि मदद करती थी अपने शिकार को अलग अलग पोजीशन से अटैक करने के लिए। और इनके बहुत छोटे हाथ थे जैसा आप देख सकते हैं, लेकिन इनके बहुत पावरफुल लेग्स थे और ये ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पाते थे, सिर्फ 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक दौड़ पाते थे, क्योंकि ये सिर्फ अपना शिकार जो कि शॉर्ट डिस्टेंसेस पर होते थे वही करते थे शिकार। और ये काउंट किए जाते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट कार्निवोर डायनासोर्स में, एंड ये प्रोबेबली सिर्फ ट्रायसेराटॉप्स और हाइड्रोसोरस को हंट करते थे। और ये इनके जो फॉसिल्स थे वो यूएस और कैनेडा में पाए गए थे। फिर नेक्स्ट आता है अपना स्टेगोसोरस। स्टेगोसोरस 6.5 मीटर लेंथ में होते थे और कुछ 9 मीटर तक भी पहुंच जाते थे। इनका वजन 3100 kg होता था। जैसे आप देख सकते हैं इनका जो स्कल और जो ब्रेन है बहुत छोटा था। इनकी टूथलेस बीक होती थी और छोटी सी चीक टीथ होती थी, जो कि ये भी खरबी वो डायनासोर था, ये सिर्फ पत्ते खाता था। और इनके जो फोर लिम्स थे वो बहुत ताकतवर थे इनके पीछे वाले हैंड लिम्स से। इनके जो फीट थे वो छोटे थे लेकिन ब्रॉड होते थे, जैसे घोड़े के आपने देखे होंगे सर, हुफ लाइक क्लोज होते थे इनके टोस में। और इनके जो बॉडी थी, इनके गर्दन से लेके टेल तक 2 रोज होती थी बोनी प्लेट्स की, जो कि इनकी मदद करती थी जो इनके नेचुरल एनिमीज हैं उनसे बचने के लिए। और टेल तक जाते जाते वो स्पाइक्स में कन्वर्ट हो गई थी, मतलब कन्वर्ट तो नहीं, मतलब स्पाइक्स होते थे टेल पे एंड में। ये हर्बीवोर डायनासोर्स थे और ये पाए गए थे सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ यूएसए इंक्लूडिंग अफ्रीका, चाइना एंड यूरोप। देन देयर कम ट्रायसेराटॉप्स, वन ऑफ द क्यूटेस्ट डायनासोर। ये जो डायनासोर थे ये 9 मीटर तक बढ़ते थे लेंथ में। इनका वजन 5450 से लेके 7260 kg तक होता था। इनका स्कल 3 मीटर बड़ा होता था यानी 10 फुट। ये थ्री हॉर्न डायनासोर्स थे और इनकी छोटी चीक बोन भी थी जैसा आप देख सकते हैं स्टेगोसोरस के जैसे ही, लेकिन थोड़ी बड़ी सी। ये अपने जो हॉर्न से इस्तेमाल करते थे अपने आप को टीरेक्स से बचाने के लिए। और ये उन एरियाज में रहते थे जहाँ पे प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन होती थी, फॉरेस्टेड एरियाज और प्लेन्स में। ये हर्बीवोर डायनासोर्स थे और इनके जो फॉसिल्स थे वो पाए गए थे नॉर्थ अमेरिका में। फिर एंकाइलोसोरस आता है। ये डायनासोर्स अपने 6 to 8 मीटर लेंथ में होते थे एंड 1.5 मीटर हाइट में। इनका वजन 4800 से 8000 kg तक होता था। इनका स्कल बहुत छोटा होता था लेकिन ट्रायंगुलर शेप में होता था। और इनकी स्पीड 6 miles पर आवर तक होती थी, क्योंकि ये इनकी बहुत हैवी और स्लंग बॉडी होती थी, इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पाते थे ये। अब देख सकते हैं इनके इनके भी आर्मर टाइप हैं। ये मैसिव नॉब्स थे और प्लेट ऑफ बोन्स थी, क्योंकि इन्हें मदद मिलती थी अपना को बचाने के लिए जैसे कार्निवोर डायनासोर से। और ये तभी मरते थे जब इन्हें पलटा के खाया जाए, मारा जाए, तभी मर जाते थे, लेकिन ऐसे नहीं मरते थे सीधे सीधे। और इनकी टेल पे भी एक फ्लैट ट्रायंगुलर स्पाइक्स थे जो कि लैटरली अरेंज थे, जो कि अपने पूंछ मार के डायनासोर को भगा देते थे अपने नेचुरल एनिमीज को। अब कुछ इनके नेचुरल एनिमीज जैसे कि टीरेक्स, टर्बोसोरस और टीनेंजियोस थे, और ये हर्बीवोर डायनासोर्स थे। और ये इनके जो फॉसिल्स थे वो वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा में पाए गए थे। फिर आता तो अपना ब्राचियोसोरस। ये डायनासोर 12 से 16 मीटर हाइट में होता था और 26 मीटर लेंथ में। इनका वजन 40 टन तक होता था, यानी 40,000 kg। ये सबसे टॉलेस्ट डायनासोर्स में काउंट किए जाते हैं। इनकी बहुत ही भारी बॉडी थी, लंबी पूंछ और लंबी नेक थी। इनका स्कल बहुत ही वाइड था और इनके 52 दांत थे स्पून शेप, 26 इन ईच जॉ। और सबसे चौंकाने वाली बात कि इनकी जो नाक थी वो सर के ऊपर थी, यानी आंखों के ऊपर। और इनके जो फ्रंट लेग्स थे वो लंबे थे, हिंड लेग्स, और पावरफुल भी थे। इनके एनिमीज थे ओलोसोरस एंड टोरोसोरस। ये हर्बीवोर डायनासोर्स थे और ये नॉर्मली फ्लैट प्लेन्स पे रहते थे जहाँ पे ड्राई सीजन होते थे और प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन होती थी। फिर आता अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओलोसोरस। ये डायनासोर्स 38 फीट लॉन्ग होते थे और 16.5 फीट टॉल। इनका वजन 1500 kg तक का होता था, बहुत हल्के होते थे ये। एंड इनकी जो स्कल थी वो 3 फुट लॉन्ग थी और 2 छोटे छोटे बोन्स होते थे इनकी आंखों के ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे बोन्स हॉर्न्स होते थे। और इनके बहुत ही पावरफुल जॉस थे और शार्प टीथ थे। इनके दांत 2 से लेके 4 इंच लंबे होते थे और इनके जो हाथ थे वो 3 फिंगर थे विद शार्प क्लोज, जो कि 6 इंच तक के होते थे, यानी 15 सेंटीमीटर, अपना पूरा आधा स्केल। एंड इनके छोटे आर्म्स होते थे, लंबे लेग्स होते थे, लंबी पूंछ, बल्क बॉडी एंड हैवी बोन्स। और क्योंकि ये बहुत हल्के थे इसलिए इनकी स्पीड ज़्यादा भी थी, 35 से लेके 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक दौड़ते थे।
और इनके जो जो डायनासोर थे कार्निवोरस थे, और इनका जो बाइट फोर्स था आज के अफ्रीकन लायन के हिसाब से 10 गुना ज्यादा था, और इनके जो फॉसिल्स थे वो वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में पाए गए थे। थैंक यू सर। थैंक यू आकाश, आपने बड़े डिटेल से बताया, वेरी गुड। तो हम आगे चलते हैं, अब थोड़ा माइथोलॉजी में चलते हैं, माइथोलॉजी में। तो इसके बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत बातें हैं, आज से नहीं है, हजारों सालों से है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इजिप्ट की एक, इसको बोला जाता हेरियोग्लाफी है, हेरियोग्लाफी ये होता था, मतलब लैंग्वेज जो थी वो फोटोज में उसको प्रिंट टाइप किया जाता था, पत्थरों पे एनग्रेव किया जाता था या लिखा भी जाता था, तो वो फिगर्स होती थी, कोई फोटोज होती थी, पिक्चर्स बनाई जाती थी, उसमें कोई अल्फाबेट्स नहीं होते थे। तो ये अगर फोटो वाली लैंग्वेज अगर होती थी तो उसको बोला जाता है हेरियोग्लाफी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें भी आपको यहाँ पे लिजर्ड दिखाई दे रही है, या लिजर्ड बनी हुई है, और ये बुद्धि, ज्ञान और अच्छी किस्मत के बारे में डिपिक्ट करती है। तो यहाँ जहाँ पे भी हमें बुद्धि की बात लिखनी हो, ज्ञान की बात लिखनी हो, या अच्छी किस्मत की बात लिखनी हो, तो हम तो वहां पे ग्रीक्स में, ग्रीक यानी यूनान और इजिप्ट यानी मिस्र, वहां के जो है लोग हेलियोग्राफी में लिजर्ड को इस तरह से प्रयोग करते थे। और अगर हम थोड़ा सा अमेरिका में जाएं, पुराना अमेरिका यानी आज का अमेरिका, तो अब ब्रिटिशर्स पहुंच गए हैं या यूरोपियंस पहुंच गए, उससे पहले की बात अगर हम कहें, जहां नेटिव अमेरिकन्स जो थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था, तो कैलिफोर्निया साइड के, जो कैलिफोर्निया साइड के जो अमेरिकन्स थे, वहां पे एक ट्राइब था, उसका नाम था पोमू। पोमू ट्राइब के जो लोग थे वो ये सोचते थे, ये मनोंगिया कचीना एक देवता था इनका, जो लिजर्ड की तरह था, जिसने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, उसकी अपने जैसा उसको बनाया, हाथ वाथ दिए, तो वो ये मानते थे कि इसने ह्यूमन क्रिएशन में, इंसान की क्रिएशन में इसका काम है, और वो उसको इस तरह से करी, इसकी आज भी वो इस तरह की फोटो उसकी लगाते हैं, ये वो देवता मानते हैं जो लिजर्ड है। और कुछ जो साउथ वेस्ट के यानी दक्षिण पूर्व के जो अमेरिका में ही जो ट्राइब्स हैं, वो ये मानते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे के गले में एक ये लॉकेट डाल दिया जिसमें छिपकली बनी हुई है, तो आपको जो है, आपका बच्चा प्रॉस्पेरिटी करेगा, तरक्की करेगा, अच्छी किस्मत होगी, बीमारी से बचेगा, लंबी लाइफ होगी। ये मतलब जैसे हम लोग भी आजकल यहाँ पे भी बांध देते हैं कुछ कुछ तावीज, जैसे एक तरह के तावीज माना जाता था। और जो अमेजन इलाका है, वहां के लोग ये मानते थे कि जितने भी प्राणी हैं उनका जो राजा है, जैसे हम बोलते हैं जंगल का राजा शेर है, पर अमेजन के लोग बोलते हैं कि जंगल का राजा, सारे प्राणियों का जो राजा है वो लिजर्ड है, इस लिजर्ड को मानते हैं। और ये अमेजन का जंगल, ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन एरिया है, देखिए कितने देशों को टच करता है ये, लगभग साउथ अमेरिका के मोस्ट देशेस, कुछ ही देशों को छोड़ बचते हैं, नहीं तो ये सबको टच कर देता है। ब्राजील में सबसे ज्यादा इसका एरिया है, और बड़े बदकिस्मती की बात है अभी कि हम ये जंगल जो है जलाए जा रहे हैं, ये छोटे करते जा रहे हैं, और ये एक अलग इशू है जिसके ऊपर हमने पहले भी एक इशू में, जब हम अमेजन जंगलों की बात कर रहे थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, एक सेशन हमने लिया था, उसमें हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो यहाँ के लोग ये मानते हैं कि ये बीस का राजा है। और कुछ नेटिव अमेरिकन, उसी जगह के रेड इंडियंस जो लोग हैं, वो ये मानते थे कि अगर जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसकी जो नाल, नाभि में जो माँ के साथ जुड़ा होता है, नाल नाल जो होती है उसकी, उसको अगर वो छिपकली की शेप में बांध के, उसके हाथ पे तावीज बांध के लगा देंगे या गले में बांध देंगे, तो उसको वो मजबूत बच्चा होगा और उसकी अच्छी हेल्थ होगी। तो इस तरह से उसको करते थे, जब नाल उसकी टूटती थी, सूख के हटती थी, तो उसको छिपकली की शेप में मोड़ करके वो उसको लगा देते थे। और क्या है, वो ये भी मानते थे कि जैसे छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो दोबारा आ जाती है, तो वो ये मानते थे जैसे इसकी पूंछ दोबारा जाती है, इसलिए इसको सिंबल बना लिया रीजेनरेशन का, बढ़ने का, रीजेनरेशन का, सर्वाइवल का एक सिंबल इसको माना गया। ये रेड इंडियंस जो नेटिव अमेरिकन हैं, वो ऐसे होते थे, है ना, आप देख लें ना, इनके सर पे फेदर्स लगे हुए हैं। तो एक इंग्लिश में एक कहावत भी है, एक वो भी जाता है, जब किसी को हम आशीष देते हैं, किसी को लिए भाई प्रेयर करते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा हो, तो कहते हैं मे गॉड एड मैनी फेदर्स टू योर कैप, है ना, भगवान तुम्हारे सर पे बहुत सारे फेदर्स लगाए। ये नहीं कि आपको मोर बना दे, पर उसका मतलब ये होता है कि जब एक योद्धा लड़ाई में जाता था, और कोई भी बड़ा योद्ध लड़ाई जीत के आता था, तो उसके सर पे उसके लिए एक फेदर लगा दिया जाता था,
है ना, तो अगर इसके सर पे इतने फेदर्स हैं तो इसका मतलब इसने इतने बहादुरी के काम किए हुए हैं, ये इतने मेडल जैसे इसके इसके पास है, तो एक मर्दानगी के सर्वाइवल के हीलन के लिए इसको लिजर्ड को चिन्ह माना जाता था। और उसी से अगर हम थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में आ जाएं, जो आज का मैक्सिको, सदर्न मैक्सिको और जो हमारे ग्वाटेमाला और निकारागुआ ये सब जो देश हैं उसमें अगर हम आते हैं, तो वहां पे ये एजटेक एम्पायर था। एजटेक हैं, ये एजटेक एम्पायर में इसको जैसे हमारे हमारे पास 12 महीने होते हैं ना, इनके पास ज्यादा महीने होते थे, इन्होंने साल को ज्यादा हिस्सों में बांटा हुआ था, और उसमें एक महीना जो था इनका वो लिजर्ड का था, और उसका नाम बड़ा अजीब सा है, क्यूटजेपलिन है। ये देखिए, ये वो सिंपल था, और यहाँ देख रहे हैं इनके दिन भी देख लिए कितने ज्यादा इन्होंने एक कैसे इसको बांटा हुआ है, है? 5, 4, 20 दिन का एक महीना है, और ये उसका सिंबल है, ये एक महीने का सिंबल है, ये आप देखिए ये सारे सिंबल थे इनके इनके है? और उसमें आप देख रहे हर एक जानवर का एक एक महीने के हिसाब से, ईगल है, लिजर्ड है, स्नेक है, मंकी है, वॉटर है, इस तरह से इन्होंने सारे महीनों में बांटा हुआ था, तो उसमें से एक महीना लिजर्ड के नाम पे था। हा? और आगे चलते हैं, देखिए ये है वो एजटेक एम्पायर, आज का ये मेक्सिको है, नीचे मेक्सिको का आधा हिस्सा, ये बेलीज छोटा सा देश, एक बेलीज है, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, ये सारे देश, पनामा, ये सारे देश जो हैं, ये हमारे एजटेक एम्पायर, जो लाल वाला हिस्सा है, ये बहुत बड़ा एम्पायर था अपने जमाने का, बड़ा समृद्ध एम्पायर था, और ये लोग भी जो है बड़े बड़े पिरामिड्स बनाते थे। इनके पिरामिड दूसरे टाइप के हैं, आप कभी देखेंगे उसके बारे में, पिरामिड्स के कभी सेशन होगा तो उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा मैं। तो मेनली आपको बताना था कि ये एजटेक एम्पायर था, है एजटेक। और जो केल्टिक लोग हैं, केल्टिक लोग, आप बोलेंगे केल्टिक लोग कौन से होते हैं, तो यूरोप के जो पूर्व पुराने रहने वाले जो लोग हैं, जो इस इलाके में शुरू होके सारे यूरोप में फैल गए थे, है ना, ये केल्टिक लोग थे, इनको केल्टिक लोग माना जाता है, जो पुराने वहां के मूल निवासी मान लीजिए यूरोप के, और वो ये मानते थे कि लिजर्ड जो है एक अच्छी किस्मत का सिंबल है, एक अच्छी किस्मत का साइन है, और ये हमारे को बताता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमारा आत्मिक हमारा गाइड है ना, हमारे को बताने वाला हमारे भविष्य। तो ये केल्टिक लोग आज के जमाने में ऐसे हैं, है ना, कितने सभ्य दिख रहे हैं, और ये अपने जमाने में बड़े जबरदस्त योद्धा होते थे, सिर्फ लड़ाई झगड़ा यही काम था इनका, लूटपाट करना, क्योंकि उस समय दुनिया ऐसी ही थी, रेड डालो, रेड डाल डाल के इन्होंने सारे एरिया में रेड डालते थे। देखिए ये इंग्लैंड तक गए हैं रेड डालने, स्पेन, पोर्चुगी, पोर्तुगाल, इधर ग्रीस, इधर सारे एरियाज में इन्होंने रेड्स डाल डाल के लूटपाट करते थे, योद्धा लोग होते थे। और चाइना में इसको कोई अच्छा जानवर नहीं माना गया, इसको बड़ा बुरा मानते हैं, मतलब खा लेते हैं इसको सबको, पर इसको फिर भी कहते हैं भैया ओ ये तो बड़ा घृणित प्राणी है, पर इसका आप आजकल कई गाड़ियों के पीछे देखते होंगे एक इस तरह की छिपकली लगा देते हैं, भैया ये किसे लगा दी, ये माना जाता है कि ये हमारे को बुरी किस बुरे एक्सीडेंटों से या किसी की नजर लगने से हमारे को बचाएगा, हमारी गाड़ी सुरक्षित रहेगी। और कई जगह तो इसको माना गया कि भैया ये मौत का चिन्ह है, कितना गलत गलत बेचारे छोटी सी छिपकली के ऊपर लोगों ने धारणाएं बनाई है कि भैया बड़ी बदकिस्मती की चीज है, इसको देख लिया तो बस सोच लो कि मृत्यु आ जाएगी और बड़ा मनहूस है, ये माना जाता है। जो अगर आप न्यूजीलैंड में चले जाएं, न्यूजीलैंड में, तो वहां पे माना जाता है कि भैया ये जो है ये इसको बदकिस्मत माना गया है ना, बैड लक। एक कहावत है वहां पे कि आदमी का काम है चीजों को बनाना, और पो जो कि ये एक छिपकली है उसका काम है कि उसको काट देना, उसको खराब कर देना, ये वहां की कहावत है। तो ये भी एक बिचारी, देखिए लकड़ी के ऊपर यहाँ पे इन्होंने ये छिपकली बनाई हुई है, देख रहे हैं आपको लकड़ी की छिपकली है ये बड़ी सी, और ये वहां की देवता है, और बोलता है जब ये बोलती है ना छिपकली, कई छिपकली आपने सुना होगा टिक 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 करके बोलती है, तो बोलते हैं ये तब हंस रही है, ये हमारी बदकिस्मती पे हंस रही है, इसलिए इसको बोला गया कि इसने अपना काम कर दिया इसलिए भी हंस रही है। तो ये एक गलत धारणा इसके ऊपर थी। अब हम अफ्रीका में आ जाएं, अफ्रीका में ये माना जाता था कि भगवान ने एक बार क्या किया, जो गिरगिट है उसको बोला कि जाके इंसान को बता दे भाई कि इंसान की कीमत जो लाइफ है ना वो हमेशा के लिए, वो मरेगा नहीं, बहुत लंबी उम्र है उसकी, पर वो हम कैमेलियन जो है वो कहीं रुक गया, उसको रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो रुक गया किसी जगह, और जो छिपकली थी
वो उसकी जगह चली गई और उसने जाके बता दिया कि भैया इंसान की जिंदगी जो है ना वो लिमिटेड है, उस दिन से इंसान की जिंदगी लिमिटेड हो गई। तो ये क्या वो है, तो ये बंटू लोग हैं, ये बंटू लोग हैं। अब आप बोलेंगे बंटू लोग हैं कौन से, तो मोस्टली अफ्रीका में ये बंटू लोग ही हैं। देखिए जितना भी युगांडा, सूडान, इधर सूडान तो ऊपर हो गया, सोमालिया का नीचे वाला हिस्सा, और सारे कॉन्गो, ये सारे जो जिम्बाब्वे, सारे देश जो हैं, इन सब में ये बंटू ट्राइब के लोग हैं। इनकी शुरुआत यहाँ कहीं से हुई थी, नाइजीरिया के नीचे वाले हिस्से से, और वहां से ये फैलते फैलते सारे इसमें फैल गए। तो ये बंटू लोग हैं, तो आपको पता होना चाहिए बंटू लोग कौन है। और हमारे देश में अगर हम इंडिया में आ जाएं, तो इसमें भी एक बड़ी कहानी है। अब ये सच है या झूठ है मैं नहीं कह सकता, पर आपने जरूर पढ़ी होगी ये कहानी शिवाजी के बारे में। शिवाजी की माँ थी जीजाबाई, एक दिन अपने महल से देख रही थी, उसने सामने देखा सिंहगढ़, इसको कोंडाना फोर्ट भी बोलते थे। कोंडाना फोर्ट जो था उस टाइम मुगलों के हाथ में था, उसने कहा ये जो झंडा इस पे लहरा रहा है ना, ये मुझे देख के बड़ी जलन होती है, इस पे मेरा झंडा हमारा होना चाहिए। तो उसकी शिवाजी ने कहा ठीक है माँ, मैं आपके लिए करूंगा। तो उसने अपने उसको उसका एक दोस्त था उसका बहुत तानाजी, उसको बोला कि भैया तुम आओ। उस टाइम तानाजी अपने लड़के की शादी के लिए जा रहा था बेचारा, हाँ, पर उसने कहा नहीं, राजा ने बुलाया, राणा उसका दोस्त भी था तानाजी बचपन का, तो वो आ गया। और ये देखिए कि ये क्या स्टीप चढ़ाई है ये, है ना। और इन्होंने मुगलों ने कभी नहीं सोचा था कि इधर से भी कोई आ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका एक दो ही दरवाजे थे, इसके एक इस साइड से एक उस साइड से, और दोनों साइड वेल गार्डेड था और इसमें जा नहीं सकता था कोई। पर तानाजी ने, इसको बोलता जाता है उस समय का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक मान लीजिए, कि उसने यहाँ पे तो दीवार दिखाई है पर वास्तव में ये वो जगह है जहां से तानाजी ऊपर चढ़े थे। इन्होंने ये एक एक यशवंती नाम की एक गो थी, गो है ना, गो बोला जाता है हमारे मॉनिटर लिजर्ड जिसको बोलते हैं, उसको लेके वो गए और उन्होंने उसको दो तीन बार फेंका, दो बार फेंका तो वो नीचे आ गई। उसने बोला अब की बार यशवंती तू नीचे आ गई तो मैं तेरे को काट डालूंगा। तीसरी बार उसने फेंका तो यशवंती ने उसको पकड़ लिया। इसके नाखून बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत ग्रिप है इसके अंदर, बहुत मजबूत जानवर है, देखने में छोटा जरूर है पर बहुत मजबूत है ये। इसने जो पकड़ लिया तो एक आदमी इसी रस्सी से ऊपर चढ़ गया, ऊपर जाके उन्होंने रस्सी से ऊपर क्लाइम करके रस्सी बांध दी, बाद की लोगों को ऊपर चढ़ गए और उन्होंने उस किले को जीता। तो ये वो बंगाल लिजर्ड थी, इस टाइम की लिजर्ड थी यशवंती, जिसको शिवाजी के तानाजी ने उस किले को जीतने के लिए प्रयोग किया। तो ये हमारे देश में एक बड़ी धारणा है, बड़ी इस बात की है, कहां तक सच है मैं नहीं कह सकता, पर लगता तो है कि सही है क्योंकि उसके काफी नाम नूम है और इतना पुराना इतिहास भी नहीं है शिवाजी को, ज्यादा साल पुराना इतिहास नहीं है हमारे देश का। फिर अगर हम थोड़ा सा अपने देश के राइट में जाएं, थोड़ा ऊपर को है, तो वहां भूटान जो देश है, भूटान में लोग जो है उनका नेशनल एंथम, उनका जो नेशनल फ्लैग है, सब में आपको ये ड्रैगन या लिजर्ड जो बड़ी वाली है इसको ड्रक बोलते हैं। तो वहां के जो भूटान के लोग हैं वो अपने आप को ड्रक लोग भी बोलते हैं, ड्रक लोग बोलते हैं ना। अगर आप उनका कोई भी जूस लोगे, कोई भी फ्रूट लोगे, वो उस पर वो निशान लगा होगा, उनके फ्लैग है ये, भूटान का फ्लैग है, उस पर भी आप देखें तो लिजर्ड लगी हुई है। और जो वहां के राजा है वो भी ये माना जाता है कि ये जो है उसी उससे आए हुए हैं, ये फिफ्थ ड्रैगन किंग हमारे सामने जो है ये ड्रैगन उसी का वंश के लोग माना जाता है, और यहाँ पे इस तरह से इसको मानते हैं। और अगर हम थोड़ा यूरोप में चले जाएं कि भैया यूरोप वाले शायद पढ़े लिखे होंगे, नहीं, वहां पे भी बहुत सारी गलत धारणाएं इसके साथ रिलेटेड है। तो वहां पे एक ये कहावत है, कहना जाती है कि भैया एक आदमी था, वो बड़ा छोटा आदमी था, नाटा आदमी था, और उसके पास जो है उसका एक बेटा था, उसने क्या किया अपने बाप को मार दिया। क्यों मार दिया, क्योंकि वो चाहता था कि सारा पैसा मुझे मिल जाए, धन दौलत मुझे मिल जाए। और उसकी धन दौलत में क्या था, कुछ ऐसी चीजें थी जो उसने भगवानों से चुरा के लाया था, लड़ाई करके लाया था, तो उसको वो श्राप उसकी वजह से मिल गया, जिसकी वजह से वो लिजर्ड बन गया। और ऐसी लिजर्ड बन गया, ऐसा बड़ा ड्रैगन बन गया कि उसके पेट को छोड़ के उसको कहीं से भी आप मार नहीं सकते थे। तो ये एक जो हीरो था हमारा सिगर्ड नाम का, उसने जाके उसको पेट के बीच में जहां दो खाल जुड़ रही थी वहां पे उसे को चाकू घुसेड़ के उसको मार दिया। तो ये एक कहानी वहां पे भी है। स्कैंडिनेविया के लोग, देखिए ये वो स्कैंडिनेविया है। स्कैंडिनेविया में आपको याद रखना चाहिए कितने देश है, देखिए आइसलैंड, ये फरो आइलैंड है एक छोटा सा ये माना जाता है, फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, तो ये देश मिला के स्कैंडिनेविया बनता है, ये जानकारी के लिए आपके लिए।
और हमारे चाइना में अगर वापस जाएं तो मेरे को एक बड़ा अच्छा वीडियो मिला, मैं आपको साथ शेयर कर, आपने देखी जरूर होगी मुलान मूवी, पर मुझे मजेदार लगी क्योंकि इसमें भी एक लिजर्ड का एक सीन आता है, आप देखिए इसको। My ancestors sent a little lizard to help me. Hey, dragon, not lizard. I don't do that tongue thing. Intimidating? Awe-inspiring? Tiny. Of course. I'm travel size for your convenience. If I was my real size, your cow here would die of fright. Down, Bessie. My powers are beyond your mortal imagination. For instance, my eyes can see straight through your armor. Oh! All right, that's it. Dishonor. Dishonor on your whole family. Make a note of this. Dishonor on you. Dishonor on your cow. Stop. I'm sorry. तो आपने देखा, ये एक बड़े मजेदार सीन है उसका, कि वो ड्रैगन है, कहता है कि, वो कहती है तू लिजर्ड है, तो वो कहता नहीं मैं तो ड्रैगन हूँ। तो ये खैर, अब वापस इंडिया में आते हैं। तो इंडिया में लिजर्ड्स को माना जाता है कि ये अगर आपके प्रार्थना वाले भवन में आ गई तो इसका मतलब भगवान ने आपकी बात सुनने के लिए इसको भेजा है। और दूसरा, कई जगह तो ये भी माना जाता है कि जब छिपकली घर में आ गई तो इसका मतलब लक्ष्मी घर में आ गई, पैसा आ जाएगा अब आपके पास। गलत धारणाएं हमारे घरों में, बहुत जगह लोगों में हमारे हैं। अब हम देखते हैं कि छिपकली के गिरने से कितनी बातें बनाई हुई है। देखिए, मैं मतलब हैरान हो गया इस बात को सुन के कि गिरने पे भी कितनी, कहां गिर रही है इससे कितना इफेक्ट हो रहा है, कितनी गलत धारणा है। बोला कि भाई अगर आपके सर पे गिर गई तो इसका मतलब आप तैयार हो जाइए कि आपको अब आपकी मन की शांति भंग करने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अगर आपके बालों पे गिर गई, किस्मत से मेरे पास तो है नहीं इसलिए मैं तो बच जाऊंगा, पर अगर किसी के सर पे बाल हैं और उसके बालों पे गिर गई तो इसका मतलब कि उसको बहुत पैसा मिलने वाला है, मतलब इसमें मैं पीछे रह जाऊंगा। और अगर आपके मुंह पे गिर गई तो इसका मतलब आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है। अगर आपके ऊपर वाले होंठ पे गिर गई तो आपका पैसा चला जाएगा, नीचे वाले होंठ पे गिर गई तो पैसा आ जाएगा, गर्दन पे गिर गई तो आपका दुश्मन मर जाएगा, उल्टे हाथ पे गिर गई तो इसका मतलब आपको कुछ आप जो है देयर इज एन एंजॉयमेंट, कोई मजेदार बात आपके साथ होने वाली। सीधे हाथ पे गिर गई तो इसका मतलब आप बीमार हो जाओगे, बताइए इस हाथ पे गिर गई तो मजे है, इस हाथ पे गिर गई तो बीमार हो जाओगे, क्या मतलब धारणा है। अगर आपके पेट पे गिर गई तो आपका कुछ पैसा जो है, आपको बहुत चीज कीमती चीज मिलने वाली है। नाखून पे गिर गई तो आप अपने पैसे को खो देंगे, आपकी पीठ पे गिर गई तो आपका नाश होने वाला है, और इस तरह से बहुत सारी बातें। और अगर आप चलते हैं कि एक और धारणा चलते हैं हम इसमें पॉलिनेशिया में। अब आप कहेंगे पॉलिनेशिया क्या है, तो मैं पॉलिनेशिया पहले आपको दिखा दूं। पॉलिनेशिया ये इलाका है जो कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका के बीच में, ये छोटे छोटे आइलैंड, न्यूजीलैंड नहीं आता उसमें, न्यूजीलैंड से लेके इधर हवाई आइलैंड्स और इधर रुपानुई, इनके बीच में जो ये आइलैंड्स हैं इनको हम बोलते हैं पॉलिनेशिया, इस इलाके को बोला जाता है पॉलिनेशिया। तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि भैया ये जो है ये लिजर्ड एक गॉड है, मो मंस, वहां पे मो लगा दिया किसी चीज के आगे तो इसका मतलब वो गॉड है, तो ये लिजर्ड गॉड है और ये लोगों की रक्षा करता है, खासकर मीठे पानी की जगह जो है उसकी रक्षा करता है, लोगों को बचाता है, ये इस तरह की धारणा इसके ऊपर है। और एक कहानी और भी है मो के साथ, कि मो जो था वहां एक राजा था, बड़ा खूबसूरत राजकुमार था। तो हुआ क्या, एक भगवान, एक देवी थी पेले नाम की, पेले जो है वो माना जाता है कि वो ज्वालामुखी की देवी थी, वो ज्वालामुखी की देवी जो थी उसको वो राजकुमार बहुत पसंद आ गया, उसने कहा मैं तो इससे शादी करूंगी। और उसे शादी करने पर क्या बात हुई, एक और उसमें बीच में टांग अड़ाने के लिए आ गई, वो थी लिजर्ड, एक लिजर्ड थी उसको बड़ा, उसको भी वो राजकुमार बहुत पसंद था, वो भी चाहती थी कि मैं इसके साथ शादी करूं। तो ज्वालामुखी की जो देवी थी पेले ने क्या किया, उस लिजर्ड की गर्दन काट दी, है? गर्दन काट दी और उसको पानी में फेंक दिया। तो आप ये देख रहे हैं, ये वो माना जाता है, ये जो ज्वालामुखी है असल में इसको देखेंगे तो ये गोल है, ये मुंह है, क्रेटर है एक, है ना, क्रेटर है, क्रेटर मतलब ज्वालामुखी का मुंह। और ये मेलोकिनी जो मोलोकिनी जो है ये माना जाता है कि यहां से उसकी गर्दन काट दी और ये उसकी पीठ वाला हिस्सा पानी में रह गया, और ये उस लिजर्ड को मानते हैं।
खैर अंधविश्वास की बातें हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कितना उसके बारे में, अगर हम सपने पे फिर आ जाते हैं इतनी जल्दी बचने वाले नहीं है आप इस बिचारी के साथ, बहुत सारी चीजें अगर आप इसको देखते हैं सपनों में, हैं अभी तक मैंने आपको बताया गिरने के ऊपर, अगर आपको सपनों में आ जाती है, अगर आपने सपनों में देखा कि आप उसको खा रहे हैं, तो इसका मतलब आप इनसिक्योर हैं और आप अकेले हैं। अगर आप छिपकली के पीछे भाग रहे हैं पकड़ने के लिए, तो इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, और अगर आपके पीछे छिपकली भाग रही है तो इसका मतलब आप गिल्टी हैं, आपने कुछ गलती की हुई है, आप इसलिए बच रहे हैं। अगर आप अपने बिस्तर में आपको छिपकली सपने में दिखती है, इसका मतलब आपके पास कंट्रोल नहीं है, अथॉरिटी नहीं है अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर। और अगर आप उड़ती हुई छिपकली को देख लेते हैं, तो इसका मतलब आपको आपके अंदर ये सामर्थ्य है कि आप सब चीजों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, और इस तरह से और भी बातें। और अगर आपको देखता है कि आपकी उंगली काट ली, तो इसका मतलब आपको बड़ी मुश्किल आने वाली है। अगर आपने उसकी देख लिया कि बिना पूंछ की छिपकली आपको सपने में दिख गई, इसका मतलब आप जो है दूसरों के लिए अपना बहुत कुछ देने के लिए तैयार रहने वाले आदमी है। आपकी गर्दन पे गिर गई, तो इसका मतलब आप दूसरों आपके ऊपर कोई रिबेलियन होने वाला है आपके विरुद्ध में, छिपकली को मार दिया। मतलब इस तरह से बहुत सारी धारणाएं हैं जो कि छिपकली के ऊपर चलती हैं, और ये और भी हैं, खैर जाते जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम आगे चले, अभी देखिए रंग के ऊपर भी बिचारी की आफत है। अगर आपको इस सपने में किस रंग की दिखी है, इसमें भी फर्क पड़ जाएगा। अगर आपको लाल छिपकली दिख गई, इसका मतलब आपकी कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर आपने काली छिपकली देख ली सपने में, तो इसका मतलब आप जो है कि कोई आपकी बुराई करने वाला है, आपकी कोई बुराई करेगा। अगर आपने हरी छिपकली देख ली, इसका मतलब अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखते हैं, आप अपनी डाइट को चेंज कर लेते हैं। लाल देख ली, तो इसका मतलब आप बहुत एंथुजियम वाले, होप वाले, आशा वाले लोग हैं, आपके अंदर बड़ी उम्मीद रखते हैं आप हर चीज में। और आपने अगर सफेद देख ली, तो इसका मतलब आप बाबा बन गए, हैं? आपने अपने आप को मोक्ष को पा लिया है, अब आप एनलाइटेंड हो गए हैं, अब आप बाबा जी बन गए हैं, आपको सारी चीजों का ज्ञान हो गया। अगर आपको पर्पल दिख गई, तो पर्पल दिखने का मतलब यह है कि आपने आपकी के ऊपर कुछ ऐसी बात होने वाली है जिससे आपकी रेपुटेशन, आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने वाली है, हैं? अगर आपने भूरी देख ली, तो इसका मतलब आप अपने परिवार को जरा ध्यान देना शुरू कर दें, इधर उधर घूमना बंद करें, परिवार की ओर ज्यादा ध्यान दें। और अगर आपने पिंक देख ली, तो आपका मतलब पुरानी बातों को छोड़ो और आगे चलो। और अगर आपने लास्ट में ब्लू देख ली, तो इसका मतलब आपको अभी शांति मिलने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है, एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। और अगर आपने ये इसको बोलते हैं एलिगेटर लिजर्ड, देखिए कैसा इसकी खाल है, मगरमच्छ की तरह, इसलिए इसका नाम एलिगेटर लिजर्ड रखा गया। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप जो है आप अपनी बात बताने में आपको मुश्किल होती है, आप एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को। अगर आपको सपने में ये दिख गई, और इस तरह से अगर ये दिख गई, तो इसका मतलब आप अपने साथियों को एनकरेज करते हैं, आप उनको सही आप जो है अपने सही मार्ग पे चल रहे हैं, ये आपको एनकरेज करती है कि आप सही मार्ग पे चलें। और लास्ट में अगर आपको स्किंक दिख जाती है, जिसको हम सांप की मौसी भी बोलते हैं, है ना, तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो उसमें गड़बड़ है, आप बोलते कुछ है और छुपा असली हकीकत कुछ और है। और अगर आपको ये दिख जाती है मॉनिटर लिजर्ड, इसका मतलब आप बिल्कुल एक नई शुरुआत करने वाले हैं, आपके पास सब चीज क्लियर है, आपके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आपको जो समझ नहीं आ रहा, दुविधा नहीं है, सब क्लियर है, ठीक है। और अंत में यहां देखते हैं कि हम जो रेड मैनिकन्स कुछ लोग हैं, वो ये मानते हैं, आज तक ये विश्वास है उनमें, कि अगर आपने छिपकली को मार दिया तो आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। खैर अब हम आ जाते हैं वास्तविकता के ऊपर। हमने अभी तक सारे अंधविश्वासों को देख लिया, तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि लिजर्ड्स जो हैं इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई भी लिजर्ड्स, दो तीन को छोड़ के, वो मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन सी हैं, और वो ऐसी हैं कि उनका एंटीडोट भी नहीं है, अगर उसने आपको काट लिया तो आपका इलाज भी नहीं है, कोई दवाई नहीं है। जैसे सांप काटता है तो सांप के कौन से सांप ने काटा उसका एंटीडोट लगा देते हैं, पर अगर उन लिजर्ड्स ने काट लिया आपको, तो आपका इलाज भी नहीं है, उनका अभी तक दुनिया में कोई जहर नहीं बन, वो इलाज नहीं बन पाया। और ये लिजर्ड जो है हमारे लिए कीड़े मकोड़े, हमारे घर में जो हमारे कोई कॉकरोच ये सब चीजें परेशान करती हैं, उनसे हमारे को बचाने वाली चीज है। तो अब हम देखें कि छिपकली हम सोचते हैं सिर्फ जो घर में आई, पर छिपकली जो है वो कई हिस्सों में बट जाती है, है ना। जैसे कि यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं ये इगुआना है, इगुआना
ये सिर्फ सब्जी खाने वाला प्राणी है, सिर्फ सब्जी फल फ्रूट खाता है, कीड़े मकोड़े नहीं खाता है, ये इग्वाना है, ठीक है। और ये कैमेलियन जो हम बोलते हैं, जो रंग बहुत जल्दी बदलता है, इसको बोलते हैं कैमेलियन, ये भी छिपकली की प्रजाति है। ये हमारे घर में गेको, जिसको हम, जो हमारे घर में जिसको हम छिपकली समझते हैं, ये भी एक छिपकली की ही प्रजाति है। और ये गीला मॉन्स्टर है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिसका जहर का कोई इलाज नहीं है। ये हमारे देश में नहीं, मेक्सिको में मिलता है, और ये अमेरिका, साउथ अमेरिका के डेजर्ट्स में मिलता है, रेगिस्तानी इलाके में मिलता है। इसको बोलते हैं गीला मॉन्स्टर, है ना। और बहुत धीरे धीरे चलता है, अंधेरे में रहता है, रात में निकलता है। पर यह कि इसने अगर आपको काट लिया तो फिर इलाज नहीं है। और फिर चौथा हमारा आ जाता है मॉनिटर लिजर्ड, जिसको हम गोह बोल देते हैं हमारे देश में। ये भी एक तरीके की लिजर्ड है। और अंत में ये जो हम स्किंक जिसको बोलते हैं, सांप की मौसी भी जिसको बोलते हैं, वो हमारी आखिरी चीज हो जाती है। अब एक बात आती है, हम सोचते हैं बड़ी गिलगिली है और बड़ी गीली गीली सी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सांप को भी हम सोचते हैं बड़ा गीला गीला सा है, है ना, ठंडा ठंडा सा है, पर वास्तव में ये बिल्कुल ड्राई होते हैं। इनके ऊपर बिल्कुल भी, क्योंकि इनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, पसीने आने का कोई भी साधन नहीं है इनके ऊपर, ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं। और एक छिलके जैसी इनके ऊपर ये होती है, जो कि शाइनी है, जिसलिए हमें लगता है कि ये गिलगिले हैं, पर ये गिलगिले नहीं, बिल्कुल सूखे होते हैं। और ये लिजर्ड जो है दुनिया में आपको हर कॉन्टिनेंट में मिल जाएगी, एक्सेप्ट ये जो सदर्न हमारा एंटार्क्टिका है। एंटार्क्टिका को छोड़ के दुनिया के हर आइलैंड पे, हर टापू पे, हर महाद्वीप में आपको लिजर्ड मिल जाएंगे। अब लिजर्ड के ऊपर एक बात और आती है कि लिजर्ड जो है कैसा प्राणी है। कुछ लिजर्ड्स तो ऐसी हैं जो कि समूह में रहना चाहती हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये समूह में रहना चाहती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं, जैसे मॉनिटर लिजर्ड है, वो एकांत में रहना चाहती है, अलग अलग रहती है, वो ग्रुप में नहीं रहती है, है ना। इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकते हैं अगर देखें तो। जैसे ये जो है, ये एक साथ बैठी हैं क्योंकि ये ऐसी चीज खाती हैं जिसकी कोई कमी नहीं है, पानी में जाती हैं, काई खाती हैं। और जो मॉनिटर लिजर्ड है उसको तो मांस का शिकार करना है, तो वो इसलिए अकेला रहना पसंद करती हैं कि भैया ज्यादा होंगे तो शिकार करने में मुश्किल होगी, वो भी शिकार खाएगी, मेरे को भी वही शिकार खाना है, तो छीना झपटी, इस वजह से वो अकेला रहना पसंद करती है। तो ये जो लिजर्ड है जिसके बारे में कह रहा हूं मैं, ये अली लिजर्ड, इसको बोलते हैं, ये देखिए आप, ये पानी के अंदर भी जाती है, देखिए इस कैसे जा रही है। At dawn, the cold-blooded iguanas thaw from the night's chill, absorbing the heat of the equatorial sun. When they've warmed, the coastline of Fernandina comes alive. ये सारा रात सोती है ठंड में, बाहर नहीं निकलती है, जब धूप में आके बैठ जाती हैं, धूप की गर्मी अपने अंदर ले लेती हैं, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड प्राणी हैं। अब आप कहेंगे कोल्ड ब्लडेड प्राणी क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड प्राणी वो होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद रेगुलेट नहीं कर सकते। जैसे उनका टेम्परेचर जो है अप डाउन होता है, धूप से गर्मी मिलेगी तो गर्म हो जाएंगे, नहीं होगी तो ठंडे हो जाएंगे। जैसे हमारा खून है वो एक ही टेम्परेचर रहेगा, हम चाहे हिमाचल में चले जाएं, हिमालय पे चले जाएं या समुद्र में चले जाएं, हमारा टेम्परेचर ना मौके तो उतना ही 98 पॉइंट समथिंग जो है वो आ जाएगा। पर इनका टेम्परेचर अगर धूप नहीं लगी तो ये डाउन हो जाएगा। तो इनको अपनी गर्म शरीर को गर्म करना, अपने खून को गर्म करना, फिर इनका डाइजेशन होना, तभी खाना हजम होगा, तभी ये चल फिर पाएंगे, तो इसलिए धूप में बैठते हैं। और उसके बाद जब धूप में गर्म हो जाते हैं तो फिर ये चलते हैं अब एक साथ शिकार पे। At dawn, the cold-blooded iguanas thaw from the wind. The coastline of Fernandina comes alive. On this island, food is scarce. And the only way to find it involves a mission that seems suicidal. Only the larger adults dare to take the plunge. Marine iguanas are strong swimmers. With a single breath, they can comfortably dive to 30 feet.
And all this effort for red and green algae, which thrive in the cold water. Marine iguanas are the world's only sea lizards. But when their distant ancestors were washed ashore in Galapagos, they were land animals. To survive, they were forced to tackle the ocean. This male must graze as quickly as he can. In these chilling waters, his body temperature falls fast. A 10-minute dive is about the most he can manage before his muscles seize up. अब यहाँ पे ये जो है 30 मीटर तक डाइव कर लेता है और एक ही सांस में ये इतनी देर सांस रोक के यहाँ पे खा सकता है और पर इनको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि पानी ठंडा है. पानी ठंडा होगा तो इनका ब्लड फिर ठंडा हो जाएगा. इनको फिर बॉडी को गर्म करना है. अगर वो ठंडा हो गया तो बॉडी इनकी काम करना बंद कर देगी. ऊपर भी नहीं जा पाएगा तो इसको जल्दी जल्दी खा के वापिस ऊपर जाना है. अब ये जाने के टाइम में इसको बेचारे को कितनी मुश्किलें सहनी पड़ती हैं वो भी आप देख लीजिए. Fighting the surge back to the shore is a Herculean task. And to make matters worse, he must now run the gauntlet of sea lions. They're the last thing the iguana needs. No harm is meant. It's nothing more than a rather one-sided game of cat and mouse. तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से बेचारे को अपनी पूंछ तो खोनी पड़ी पर खाना खाना है तो आना ही पड़ेगा. तो जिंदगी इतनी आसान नहीं है. लगता कितना आसान है कि भैया ठीक है आराम से धूप सेको नीचे जाओ खाना खा के आ जाओ. नहीं, पर कितना मुश्किल है अपने आप को रोज खाना खाना उस खतरे में जाना अपनी जान को बाजी पे लगा के पेट भरना. ये हमारे को इंसान को भी यही सीखना है. हम लोग का जिंदगी ऐसे ही होती है. तो आज हमने यहाँ तक देखा. तो खैर ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आप लोग सब जुड़े. अगली बार हम फिर मिलेंगे. बाय बाय.